ठीक है सब लोग एक एक्शन सॉन्ग गाएंगे। काटने वाले सामानों के ऐसे स्केल से नहीं बनाएंगे आप लोग, तो सब कुछ शार्प ऑब्जेक्ट होगा उससे बनाएंगे, खुरपा चाकू जो भी होगा। तो इसका मतलब रास्ता साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सब लोग चलते जाएंगे। आगे दो रास्ता है, छोटे निशान पर मुड़ जाओ, चार चौराहा आ गया लेकिन पेड़ है, चार पेड़ है, एक पर निशान बना हुआ है, जिधर छोटा रेक्टेंगल बने रहेगा वो मुड़ जाना है, उधर मुड़ जाएंगे। तुझे मिलेगी केक, तुझे मिलेगी केक, थोड़ा हम खाएंगे थोड़ा तुम खाओगे, थोड़ा हम खाएंगे थोड़ा तुम खाओगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, बोल हाथी दो, बोल हाथी दो, तुझे मिलेगी ढोल, तुझे मिलेगी ढोल, बोल हाथी दो, घोड़ा तुम बजाओगे, घोड़ा हम बजाएंगे, थोड़ा हम बजाएंगे थोड़ा तुम बजाओगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, बोल हाथी तीन, तुझे मिलेगी बीन, तुझे मिलेगी बीन, थोड़ा हम बजाएंगे थोड़ा तुम बजाओगे, थोड़ा हम बजाएंगे थोड़ा तुम बजाओगे, हम हाथी को गिनती नाचोगे, थोड़ा हम नाचेंगे थोड़ा तुम नाचोगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हाथ ऊपर हम लड़ाइए, स्काउट क्लैप गो। तो ये अपना नाम बता दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरा नाम अंचल सिंह है, मैं यहाँ पर बेसिक कोर्स करने आई हूँ। मुझे यहाँ पर आज सुबह से, सबसे पहले जब हम यहाँ पे आए तो मुझे BP6 करवाया गया, उसके बाद से झंडा गीत हुआ, राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद सर ने हमें गाथों के बारे में बताया, बंधनों के प्रकार बताए, उसके बाद हम लोगों का नाश्ता हुआ, नाश्ते के बाद हम लोगों ने खाना खाया, अब हमारे लोगों का टेस्ट होने वाला है। अपना नाम बता रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? सर मेरा नाम दिशा सिंह है, मैं सलोन से हूँ, डिस्ट्रिक्ट RBL जहाँ पे मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। मेरी ट्रेनिंग का नाम है बेसिक कोर्स, जो 7 दिन की है, जिसमें कि मेरा 3रा दिन है आज यहाँ पे रह के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस स्काउट गाइड के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया, जिसमें कि स्काउट गाइड के नियम, उसकी प्रेयर प्रतिज्ञाएँ और बहुत सारे एक्शन सॉन्ग बताए गए बच्चों के, जैसे जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं जिससे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं इसको सुन करके। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस कोर्स को करते हुए। कितने लोग हैं हमारे बेसिक कोर्स में? आई थिंक 28 स्टूडेंट्स हैं, और एक कोर्स और भी चलता है जिसका नाम एडवांस है। अपना नाम बता दीजिए, यहाँ पर क्या सीखा है आपने? मेरा नाम निकिता पटेल है, मैं एडवांस कोर्स के लिए आई हूँ। आज हमने जो है सुबह सर ने, श्री राम सर ने हम लोगों को गाठे के बारे में बताया, क्या क्या चीज़ के चिन्हों के बारे में बताया, और आज हमारे कैंप का 3रा दिन है। और परिचय दे दीजिए, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं लक्ष्मीकांत शुक्ला, वरिष्ठ लीडर ट्रेनर, स्काउट भवन रायबरेली। यहाँ पर उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था द्वारा बेसिक कोर्स फॉर गाइड कैप्टन, बेसिक कोर्स फॉर स्काउट मास्टर और एडवांस कोर्स फॉर गाइड कैप्टन का आयोजन हो रहा है। आज क्या सिखाया बताया जा रहा है? आज सुबह को सबसे पहले इनका बेडन पावेल की जो निर्धारित कसरतें हैं, 6 कसरतों का अभ्यास कराया गया। उसके बाद इन्होंने अपनी साफ सफाई की, इनका इंस्पेक्शन हुआ, इनको ड्रिल कराई गई, सलामी और सल्यूट बताया गया, उसके बाद झंडा कैसे बांधा जाता है उसके बारे में इन्होंने सीखा, और ये सीखने के बाद इनका जो नाश्ता, नाश्ते के बाद इन्होंने फंडामेंटल ऑफ स्काउटिंग
नियम प्रतिज्ञा सिद्धांत झंडा गायन प्रार्थना का इन्होंने अभ्यास किया और अब दूसरे सत्र में इनकी नॉटिंग और एक्शन सांग और खेल कूद इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। परिचय दे दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं अंजनी कुमार शर्मा, सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट। यहाँ पर बेसिक एवं एडवांस कोर्स स्काउट मास्टर एवं गाइड कैप्टन का प्रशिक्षण शिविर है, 7 दिवसीय चलाया गया है। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का आयोजन है। प्रथम दिवस के जो कार्यक्रम है, चूँकि सत्र का उद्घाटन होता है उस दिन, विलम्ब से चूँकि हमारे यहाँ जो नेशनल सेंटर पचमढ़ी के जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 7 दिवसीय कार्यक्रम है बेसिक कोर्स का, और इसमें प्रथम दिवस उद्घाटन सत्र होता है, द्वितीय सत्र से कक्षाएँ नियमित चलती हैं। और क्या क्या आप क्या सिखाते हैं बच्चों को? हम बच्चों को इसमें स्काउटिंग फंडामेंटल से लेकर के, क्योंकि स्काउटिंग का प्रारंभ इसके जो जनक है लॉर्ड बेडन पावेल, उन्होंने जो नियम प्रतिज्ञा सिद्धांत बताए हैं स्काउटिंग फॉर बॉयज में, वो बच्चों को हम यहाँ सिखाते हैं और इनको स्काउटिंग के माध्यम से स्वावलंबी बनाना, इस योग्य बनाना कि वो देश और समाज के लिए सेवा के लिए तत्पर रहें।